मैं ऑडिबल ना? आज नोट्स लिखने हैं। मैं ऑडिबल और नॉट? ये आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? चल आज नोट्स लिखने। नोट्स आवाज आ रही है? नहीं। चल आवाज आ रही है। बोल क्यों नहीं रहे यार? सर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो? हो गई शेयर या नहीं? वेट यार वेट। सर डीपीपी सिर्फ एक ही आई है। डीपी एक ही आई है? सर डीपीपी मैंने तो कई सारे डीपीपी दिया तब से लगा के अभी फर्स्ट चैप्टर ही खत्म नहीं हुआ है। सर हमारा है वो तो कल है ना सर टेस्ट। ओडीपी चाहिए क्या? हाँ सर प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो आज रात भेजता हूँ फिर सर क्योंकि परसों ही तो है एग्जाम। ठीक है फिर आज आज भेजता हूँ। हाँ पहले तो कुछ बात करते हैं एटॉमिक, पहले कुछ फॉर्मूला ही निकाल लेते हैं। ठीक है किसका फॉर्मूला बेटा ये? सर कैल्शियम कार्बोनेट। सर कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या सबको समझ में आ रहा है? सर ये वाला टेबल तो ये किसका फॉर्मूला है? सर सोडियम कार्बोनेट। सोडियम 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 कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जिससे पूछूंगा वही बताएगा आप। दोनों भी चाहिए सोडियम कार्बोनेट। जिससे पूछूंगा अभय सिंह कुशवा। अभय सिंह कुशवा यार पहली बात तो सारे के सारे वीडियो अपने ऑन करो यार, क्या कर रहे हो पता नहीं। वीडियो सारे के ऑन रहने चाहिए। सर मेरी ऑन है। सबके ऑन रहने चाहिए। सर पिछली क्लास में सर अभय सर अब्यूजिंग वर्ड्स बोल रहा था बहुत। ओके नैवेद्य महाजन व्हाट इज दिस व्हाट इज द मैग्नीशियम फ्लोराइड। ठीक है नैवेद्य महाजन का मैम सब बैकग्राउंड सर पीरियोडिक टेबल है। ग्रेट बताते जाओ सारे के सारे। मैग्नीशियम ब्रोमाइड मैग्नीशियम आयोडीन मैग्नीशियम कॉपर कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट कार्बोनेट सोडियम कैल्शियम कैल्शियम फॉस्फेट हाइड्रोजन फॉस्फेट कैल्शियम सल्फेट सर सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये क्या लिखा है सर बीजे सर बेरिलियम फॉस्फेट बेरिलियम फॉस्फेट बेरिलियम फॉस्फेट। ये स्ट्रॉन्शियम है सर क्या स्ट्रॉन्शियम सल्फेट स्ट्रॉन्शियम सल्फेट स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट मैग्नीशियम हाइड्राइड। और यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर वैलेंसी क्या है कोई बताएगा? हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या है? नेगेटिव।
हाइड्राइड यहाँ पे लिख लो आप एक बार हाइड्रोजन कैन सो जस्ट राइट डाउन एवरीथिंग हाइड्रोजन कैन सो प्लस वन एंड माइनस वन बोथ चार्जेस इन हाइड्राइड Hydrogen is having minus charge. Good evening, sir. Good evening, welcome, sir. Welcome. Good evening. Welcome. Good evening, sir. Other compounds. Hydrogen is having पॉजिटिव वन चार्ज बाकी में पॉजिटिव वन होता है केवल हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन का माइनस वन चार्ज होता है तो हाइड्रोजन कैन सो प्लस वन एंड माइनस वन बोथ चार्जेस इन द हाइड्राइड हाइड्रोजन इज हैविंग माइनस वन चार्ज एंड इन अदर कंपाउंड्स हाइड्रोजन इज हैविंग प्लस वन चार्ज सो प्लस वन और माइनस वन दोनों ही हो सकता है अच्छा अगर मैं आपसे पूछूंगी व्हाट इज दिस NaH यानी नीम जल सोडियम हाइड्राइड मतलब सर व्हाट आर यू सेइंग अबाउट फार्मूला अगर मैं एक नाम दे दूं तो बेटा हां अर्णव चतुर्वेदी इज देयर व्हाट इज द नेम फॉर दिस हेलो पापा अर्णव चतुर्वेदी कैन यू टेल द नेम फॉर दिस सर एल्युमिनियम हाइड्राइड सॉरी So hydrogen is having a negative charge. So if we are using hydrogen here, so in presence of AlS3, we can easily say Al is having the plus 3 charge and hydrogen is having the minus 1 charge. So AlS3 will form. Aluminium hydride it will be. I already told you today also. Beta, please on your video. Everyone, please on your video. फॉर्मूला लिखे थे सर वो दिखाना एक बार क्या इसमें लिखना है इसमें कोई फॉर्मूला ऐसा है लिखा ही नहीं जो नहीं आया किसी को क्या लिखना है MgBr2 MgI2 MgF2 CaCSO4 H2SO4 CaSO4 K3PO4 whole twice, HCPO4, B3PO4. I already told you the phosphate ion. I already told you sulfate ion. I already told you about the bromide ion, iodide ion, carbonate ion, phosphate ion, hydride ion. So if you are using metal with this, then obviously it will be metal hydride, metal sulfate, metal carbonate, metal phosphate. Anything can be. Sir, after भी जो वैसे पूछ रहे थे, sir इसमें आपने first वाला क्या लिखा था? Please आप बता सकते हैं? Beta, that is rubidium hydride. If you are not following anything, so how we can find that what is the chemical? Sir, Romanian, so sir, मतलब Romanian, so. Rubidium बताया था. Sir, how we can find out what is the chemical?
व्हाट इज द रूबीनियम तो सर वो हायर पीरियोडिक टेबल में आता है ना, मतलब कि 20 से ऊपर की। हाँ ऑब्वियसली आता है, मैंने लिख दिया ऐसे ही, रूबीनियम के बारे में कई बार बताया हुआ है। सर आपने बताया था, सर आपने बोला था 20 तक ही आएंगी है। हाँ 20 तक ही आएंगे, ये टेंशन मत लो। नहीं सर आपने बोला था कि कुछ आप एक्स्ट्रा लिखवा रहे थे, जैसे कि लिखाया था, लेकिन अब सर सम एक्स्ट्रा यू हैव टू। कोई बात नहीं यार, जस्ट म्यूट हो सर। सासा सफर आई तो मुझे सर ये आ गया, ये सर मुझे आ गया सासा सफर। सर ये प्लस वन चार्ज होता है रूबीनियम। या आरबी इज जस्ट बिलो द हाइड्रोजन पॉइंट नीचे वाला। सर तो रूबीनियम हाइड्राइड हो गया हाइड्रोबीनियम। रूबीडियम यार, रूबीडियम जस्ट फॉलो द पीरियडिक टेबल। हाइड्राइड हो गया हाइड्राइड। या लीव इट जस्ट प्लीज इरेज इट, प्लीज इरेज इट प्लीज। सर आई एम जस्ट रूबीडियम हाइड्राइड। प्लीज इरेज इट प्लीज। सर एटॉमिक नंबर क्या होता है सर? द प्लीज इरेज इट, देयर इज नो नीड ऑफ नीड, देयर इज नॉट एनी नीड ऑफ रूबीडियम। Please erase it. It's coming in the first ruby we will have, not the periodic table. I'm just teaching you since more than 1 or 2 months, and you have not the periodic table, and I cannot say you anything. Just please leave it. Just please. Sir, I have bought a chart. Just leave it in neutral, sir. Just please. Please, yeah. Sir, I have bought a chart of periodic table. Okay, you have the periodic table. Just put it at your home. Okay, just I'm just going forward. Atomic mass and the molecular mass. Write down. एटमिक मास एंड द मॉलिकुलर मास। हाँ कुछ सीरीज भी आपके मॉड्यूल्स में कुछ सीरीजेस भी हैं, उन सीरीज को एक बार देख लेना। अगर नहीं आए कोई सीरीज का नाम तो मुझे बताना, बाकी कुछ सीरीज का कॉमन नेम आपको याद करना पड़ेगा, वो वैसा ही याद कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताना मुझे, बाकी मैंने कॉमन नेम्स बता दिए हैं, जनरली कैसे फॉर्मूला फाइंड करते हैं, केमिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, एंड एवरीथिंग आई टोल्ड यू। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। प्लीज डोंट रेज योर हैंड, लिखो, राइट डाउन। दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक, सो दैट जस्ट राइट डाउन एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। राइट डाउन द डेफिनेशन। बेटा एक्चुअल मास होते हैं एटम के अंदर बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है? और इनकी कैलकुलेशंस को फिगर आउट करना इतना इजी नहीं था। तो एक स्टैंडर्ड, वैसे तो आपकी पीरियडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटमिक मास उसी बॉक्स में दिए गए हैं। हु हैज हु इज रेजिंग योर हैंड यार, जस्ट टेल मी क्या हो गया है? मानवीय स्तमा नहीं पढ़ाने देना चाहता क्लास को, बोलो क्या प्रॉब्लम है? सर एक बार आप ऊपर हो सकते हैं, मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है। क्या लोगे स्क्रीनशॉट यार, बाद में लेना स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने के लिए रेज हैंड कर रहे हो, क्लास ओपन करवा रहे हो, क्लास यार लीव कर दिया करो क्लास ऐसे। तो ऐसे पढ़ने से अच्छा है कि मैं बाद में रिकॉर्डिंग ही देख लो। बता रहा हूं कुछ चीज आधे पर रोक के फिर स्क्रीनशॉट लेना है। एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक मास पे। बेटा हर किसी, पहले बात तो आपके पीरियड टेबल के अंदर जो भी बॉक्सेस हैं, जो भी पीरियड्स हैं, जो भी ग्रुप्स हैं, उनके पास उनके एटॉमिक मास ऑलरेडी गिवन है, जिनके एटॉमिक मास कैलकुलेटेड हैं और ऑलरेडी वो प्रैक्टिकली कैलकुलेटेड है, आप उसको देख सकते हो और उसको जान सकते हो। तो बहुत सारे पार्टिकल्स बहुत छोटे थे, उनके मास को कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं था, इसीलिए एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया, जो उस स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा उसका एटॉमिक मास उसी के इक्विवेलेंट करके निकाला गया है। जैसे मान लो हमारे पास हाइड्रोजन से लेके फास्फोरस तक बहुत सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, तो आप पहले डेफिनेशन लिखो। जैसे कि एटमिक मास पहले बार निकालते कहते हैं, पहले वो देखो, जैसे मान लो कार्बन का है 12, कार्बन के पास 6 इसके पास नंबर है और इसके पास 12 एटमिक मास है, जैसे नाइट्रोजन के पास 14 है और इसके पास नंबर है एटमिक नंबर 7,
ऑक्सीजन के पास 16 है और ऑक्सीजन का नंबर है 8. तो एटमिक नंबर के जनरली ये अपोजिटली डबल नंबर के आसपास ये आते हैं, ठीक है, एटमिक नंबर के जस्ट डबल. बेटा व्हाट हैपेंड यार, यार मच गुड विदी, व्हाट हैपेंड विद यू यार? सर आई वाज आस्किंग दैट अगर सर आपके पास सर नोट्स के कोई इसे प्रिंट आउट वगैरह हो तो सर आप प्लीज व्हाट इज क्लास में बताना प्लीज, जस्ट लीव द क्लास यार. यार ये चीज क्लास के बाद बात की जा सकती है कि नहीं, यार बताओ नोट्स वगैरह क्या बता रहे हो तुम यार, जस्ट लीव द क्लास प्लीज. अरे मत आना क्लास में, ऐसे बच्चों की जरूरत नहीं है यार जो जबरदस्ती की बात करे यार. नोट्स मिल जाएंगे अगर जरूरत होगी तो, उसको बताने की जरूरत है क्लास में, मतलब डिग्री से लिखाने जा रहा हूँ, डिग्री से बीच में रोक के बताने की जरूरत है क्या? चार बार मैं म्यूट कर चुका हूँ तुमको. कार्बन है इसके लगभग डबल नंबर के आसपास होता है, नाइट्रोजन के पास 7 एटमिक नंबर है तो उसके पास लगभग डबल नंबर, इसके पास भी है 8 है, लगभग डबल नंबर इसके पास भी है. तो एटमिक वेट को कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है. अगर मैं आपको बताऊं, आपके अभी सभी के पास मॉड्यूल्स होंगे, एक बार मॉड्यूल्स अपने अपने ओपन करना, मॉड्यूल में पेज नंबर 11 पे ओपन करना, एटमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास इज गिवन देयर, मॉड्यूल पेज नंबर 11. एंड प्लीज डोंट रेज हैंड, आई विल रिमूव यू, जस्ट प्लीज. Actual mass of the atoms of the element are very very small. You can read the module. Module में भी ये चीजें लिखी हुई हैं जो मैं बता रहा हूँ. Actual masses of the atoms of the elements, क्योंकि सभी को obviously atomic mass के बारे में पता है, तो ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन फिर भी अगर definition proper चाहिए, तो you can take the module. And in that, actual mass of the atom of the elements are very very small. For example, one atom of hydrogen has a mass of 1.673 × 10⁻²⁴ ग्राम. उसमें लिखा गया है कि जो एक्चुअल मास होता है एक किसी भी एलिमेंट का बहुत ज्यादा छोटा होता है. जैसे कि एक हाइड्रोजन का मास होता है 1.673 × 10⁻²⁴ ग्राम. एक हाइड्रोजन का मास −24 ग्राम के आसपास आता है. −24 का रेंज बहुत छोटा है. मैं आपको बता दूं कितना छोटा है, मतलब अगर आपके पास 1.6 है तो ये हो गया है ग्राम. इसको हमने 10 से डिवाइड कर दिया, हो गया 1.6 × 10⁻¹ ग्राम. अगर इसको मैंने 10 से और डिवाइड किया, फिर से इसको 100 से डिवाइड किया, तो −2 ग्राम. अगर यहाँ पर जीरो बढ़ाते गए नीचे, इसके पास पावर बढ़ती जाएगी माइनस में. इसीलिए मैं बताता हूँ 10⁻²⁴ का जो रेंज है बहुत बहुत ज्यादा छोटा है. तो एक्चुअल मास ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर वेरी वेरी स्मॉल. फॉर एग्जाम्पल, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन हैज अ मास ऑफ 1.673 × 10⁻²⁴ ग्राम. So to avoid the inconvenience in using such a small and complicated figure in our calculation, it was necessary to define the atomic mass in such a way that we get simple figure of them. तो इनके जो finding थी या फिर जो इनका मिलना था, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा vary कर रहा था atomic mass, पर actual figure find करना इतना आसान नहीं था. तो हमने इनके definition बनाने के लिए एक proper way में इसको हमने simply set किया है, जिससे कि हम इसको आसानी से फाइंड कर सकें. सो कार्बन 12 एटम या कार्बन 12 एटम इज दैट एटम ऑफ व्हिच कार्बन 12 एटम इज दैट एटम ऑफ कार्बन व्हिच हैज 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियर. सो इट्स मास नंबर इज 12. जो कार्बन 12 है, क्योंकि कार्बन के पास 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, तो ये जनरली एटमिक मास. ऑब्वियसली मैंने पहले भी बताया हुआ है कि एटॉमिक मास जो होता है वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर. तो 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को मिलाकर के कार्बन का 12 एटॉमिक मास जैसे कि बना है, तो कार्बन 12 एटम हैज बीन असाइंड एज एटॉमिक मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक यूनिट मास. मतलब 12 एटॉमिक मास यूनिट को बनाता है, क्योंकि 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं. और ऑलरेडी हमने इस फॉर्मूले को पहले भी डिराइव करके इसके क्वेश्चन भी किए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करे हमने एटॉमिक मास पे, और ऑब्वियसली उस वक्त मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन दिए भी थे. और नेक्स्ट पेज में डेफिनेशंस भी लिखी हैं कि एटॉमिक मास एक्सप्रेस एज हाउ मेनी टाइम्स
mass of an atoms of an element is heavier than 1 by 12 the mass of the carbon of carbon 12. मतलब कि अगर एक हाइड्रोजन है, यहां पर देखना बेटा, यहां पर लिखा हुआ है डेफिनेशन के अंदर, ध्यान से इस चीज को देखना, 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम. एक कार्बन 12 को एक स्टैंडर्ड एटम माना है, एक स्टैंडर्ड एटम है, इसके स्टैंडर्ड से इसको निकाला गया है, और 1/2 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम या 1/12 सॉरी. अब कार्बन 12 का भी मास 12 है, तो 12 × 1/12. अब यहां पर आ जाएगा वैल्यू 1. अब इसका जितना भी फैक्टर होगा, मतलब जितने भी फैक्टर में आएगा या जितने गुना आएगा, वही उसका मास कहलाएगा. मान लो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो ये 1 का 1 गुना है, तो ये इसका मास इसलिए 1 हो गया हाइड्रोजन. और इसके पास उसके बाद आता है मान लो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मास 16 है, तो 16 भी इस 1 का 16 गुना है, इसलिए इसका मास 16 हो गया. एक स्टैंडर्ड है कार्बन 12 को माप करके बनाया गया है कि कार्बन 12 के 1/12 मास के जितने नंबर ऑफ मल्टीपल में उसका पार्टिकुलर मास आएगा, वही उसका मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा. मतलब अगर एक कार्बन 12 का एटम है, उसको आपने 12 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि कार्बन 12 के पास ऑलरेडी 12 मॉलिक्यूलर मास है, और उसको आपने 12 से डिवाइड किया, तो 1 ओवरऑल इसके पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसके पास 1 एटम बच गया. अब हाइड्रोजन का निकाल रहे हैं या ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं, यही बोला गया है कि बस उस जो 1/12 ऑफ कार्बन 12 का जो मास होगा, उसका जितना नंबर ऑफ फैक्टर आएगा, वही हमारा मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा. तो अगर ऑक्सीजन है मान लो, तो उसका 16 हो जाएगा. अब यही Fe है मान लो 56 होता है, तो ये भी 1 का 56 गुना है, तो ये भी 56 हो जाएगा ऑब्वियसली. तो यहां पर सबके मॉलिक्यूलर मास को डिफाइन कर दिया गया. मैंने मॉलिक्यूलर मास पहले भी बताया हुआ है, पर प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन भी करा है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है इसमें. यस, is there any doubt? Sir, ek aur baar tum jaldi ke. Yeah, if you anyone wants my precision now, so I'll just read it. Carbon 12 break ho rahi hai. Carbon 12, 1/12 of into weight of carbon. Sir, aapki screen bhi pause ho gayi. Sabko pause ho gayi hai. इसके पास जो वेट है इसका, वो ऑलरेडी 12 है. 1/12 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि जितना इसका एक स्टैंडर्ड यूनिट है, और वो निकालने का एक तरीका है इसका, वो ये फॉर्मूला है 1/12 इंटू वेट ऑफ कार्बन, वेट ऑफ कार्बन, जितना इसका मल्टीपल आएगा, ये जितना इसका मल्टीपल, अगर आपने इसके मल्टीपल को एक्स मान लिया है, किसी भी एटम के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका मल्टीपल जितना आएगा वही उस पार्टिकुलर एटम का मास कहलाएगा. अब मैं अगर कैलकुलेट करूं तो 1/12 की वैल्यू 1/12, बोलो यार सर, आप एक बार सोडियम का सर बता देंगे मास. अब 1/12 ऑफ वेट ऑफ द कार्बन है, यहां पर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 1 हो जाएगा. अब इसी का बोला है कि जितना फैक्टर, तो सोडियम का ऑब्वियसली सोडियम के पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का कितना नंबर आता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का कैलकुलेशन कितना आता है, 23 आता है. 23 तो इसका जो वेट होता है वो 23 होता है. अब यहां पर क्योंकि 23 का फैक्टर है, इसलिए इसका डायरेक्टली जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 23 एटमिक मास 23 आ जाएगा. राइट सर, एटमिक मास और मॉलिक्यूलर मास एक ही होता है क्या? सर एटमिक मास और मॉलिक्यूलर मास भी जो सर वो सर Na का तो सर 22 होगा ना, तो सर मॉलिक्यूलर यस सर, सर Na का तो सर मास 22 होगा ना. Na का सर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन सर 22 होगा सर, आपने 23 लिखा. सर उसमें न्यूट्रॉन एक एक्स्ट्रा होता है. हर किसी में नहीं होगा यार सर, हर किसी में नहीं होगा ना, कुछ ही में होगा. हाँ कुछ ही में होता है ऐसा, हर किसी में नहीं होता है ना. तो सर एटॉमिक मास दो एलिमेंट का होता है.
देखो एक बार बताएं आपको डिफिनीशन याद करने के लिए केवल दो लाइन की डिफिनीशन है, 1/carbon 12 या जो डिफिनीशन है वो कार्बन 12 वाली है, उसको आपको याद करना पड़ेगा। और बाकी आपको अगर निकालना है एटमिक मास तो हर किसी का याद करना पड़ेगा पार्टिकुलरली अलग अलग, हाइड्रोजन का, हीलियम का, लिथियम का। सर अगर सर अपन को सर बताएगी कितने न्यूक्लियस है तो सर हम पता कर सकते हैं। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अगर पता होते तो हम ऑब्वियसली उसको पता कर सकते हैं कि कितना होता है। और एक्चुअली ये कार्बन के वेट के ऊपर डिपेंड है, नहीं कार्बन एक रिलेटिव वेट है, मतलब कार्बन को इन्होंने किया क्या, एक जो मतलब साइंटिस्ट थे उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए कार्बन को एक रिलेटिव वेट माना, उसको बोला कि कार्बन का अगर 12 होता है उसका 1/12 करेंगे तो ऑब्वियसली 1 ही आएगा, और 1 का जितना फैक्टर बनेगा वही हमारा मास हो जाएगा, क्या दिक्कत है यार। अगर सोडियम का अगर 23 तो 1 का फैक्टर तो 23 ही आएगा ना, अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का मास 16 है तो 1 का फैक्टर तो 16 ही आएगा, तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर मास तो उतना ही होगा, एटॉमिक मास जो भी होगा वो उतना ही आएगा ना, तो ये तो डिफिनीशन लिखने का एक तरीका है। लेकिन क्योंकि हमारे पास क्या हम अच्छा बताओ डिफिनीशन आते तो क्या बोलते हैं कि पीरियडिक टेबल में जो बॉक्स के ऊपर लिखा गया है वही है एटॉमिक मास, ऐसे डिफिनीशन लिखते हैं? नो सर। तो ऑब्वियसली डिफिनीशन लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका है, उसको हमने कार्बन से रिलेट करके स्टैंडर्ड तरीका लिखा हुआ है, उसको कैलकुलेट करने का भी तरीका वही था उस वक्त, उसने कैलकुलेट करके उन्होंने लिख दिया है वैसे, और हमें आज वो याद है, इतनी ज्यादा नीड नहीं है, केवल हमें अगर डिफिनीशन पता हो और हमें उसका मॉलिक्यूलर मास पता हो तो हम आराम से उसको पता कर सकते हैं, एटॉमिक मास पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हर किसी का याद होना चाहिए। जैसे कुछ का तो डेफिनेटली डबल होता है, जैसे एचसी का डबल होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है पता ही होगा, सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, कार्बन का 12 होता है, काफी कुछ का बताया भी है मैंने शायद क्लास में, बताया नहीं? यस सर बताया बहुत बार, पर अगर स्टैंडर्ड तरीके से डिफिनेशन नहीं याद करोगे तो प्रॉब्लम रहेगी वो, क्योंकि आप क्या बोलोगे पीरियड टेबल बोलेंगे, मान लो कोई पूछ लिया व्हाट इज एटॉमिक मास, तो ऐसे तो हम सभी बता सकते हैं कि मास ऑफ द एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास, लेकिन आप क्या बताओगे कैसे उसको एक स्टैंडर्ड तरीके से मापा गया, क्या बोलोगे जो पीरियडिक टेबल में एक बॉक्स के अंदर लिख के ऊपर रखा गया था उसको हम एटॉमिक मास बोलते हैं, यार वो भी तो स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं से निकाला गया है ना, समझ रहे हो? हेलो सर, कैन आई आस्क, आई वांट टू आस्क समथिंग। हां यू कैन आस्क एनीथिंग यार, या यू कैन आस्क सर, सर आपकी एक तो सर स्क्रीन अटक रही है, और सर दूसरा चीज सर आप एक बार मॉलिक्यूलर मास तो चार एटम का एक बार बता देंगे कि सर कैसे निकलेगा? आके पढ़ने तो दो ना, अभी तो एटॉमिक मास ही बताया, मॉलिक्यूलर मास भी आएगा इसके बाद तो ऑब्वियसली मैं बताऊंगा, ये पूछना तो नहीं हुआ ना, क्वेश्चन तो नहीं हुआ है कुछ। हां बोलो, कोई क्वेश्चन है तो बताओ, अभी तक आराम से बोल रहा हूं कि सबका याद करना पड़ेगा ही पड़ेगा, और उसके बाद डिफिनीशन एक पार्टिकुलर याद करनी पड़ेगी, डिफिनीशन ऑलरेडी मॉड्यूल में गिवन है, उसे बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। और कोई एग्जांपल दे दीजिए। ये और कोई एग्जांपल नहीं है पार्टिकुलर, एक यही डिफिनीशन, एग्जांपल तो बहुत सारे हैं सर, ये तो सिर्फ एटॉमिक मास है ना, अभी सर आप मॉलिक्यूलर मास बताएंगे ना? हां ऑब्वियसली बताएंगे, और ये वाला इन दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा। यार देखो कहने का मतलब ये है, मान लो हमारे पास ऑक्सीजन का वेट है, ध्यान से समझना और बीच में मत बोलना प्लीज,
अच्छा बीच में बोलना लीव करना मीटिंग, कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की, सुनना सही से। ऑक्सीजन 8 है और 16 है। अब इसके पास एटमिक वेट कितना है बेटा? यार वेट करो यार प्लीज, एटमिक वेट इसके पास है, इसके पास ये मान लो हम इसको वेट करेंगे, इसको मान लो हमने वेट किया और ये 16 ग्राम है। क्या होता है धर्मान? बोलो क्या दिक्कत है यार? पता है ना मुझे तो नहीं रुक जाता है अभी लोग ना। क्या? और तो ज़्यादा तो हिंदू लोग को जाने नहीं देता है ना मामी काम से तुम्हारे यार। इसके पास एटमिक वेट है मान लो, इसके पास 16, मान लो कुछ भी वेट है इसके पास, मान लो 16 ग्राम है। अब बात यह है कि हमको कैलकुलेट करना है कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से ये कितना भारी है, बस जितना गुना भारी होगा वही इसका एटमिक मास होगा। अगर ऑक्सीजन है ना, तो अगर आपको कोई दे दिया गया मान लो एलिमेंट, ध्यान से समझना समझ जाओगे, अगर कोई एक एलिमेंट है यक्स और पूछा गया और बता दिया गया कि कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से, कार्बन 12 यानी कि कार्बन के मास से, मास ऑफ द कार्बन के 1/12 पार्ट से ये 40 गुना भारी है, यानी कि 40 मल्टीपल ये भारी है। अगर मान लो बताया गया यक्स एक एटम है और मास ऑफ द कार्बन के 1/12 पार्ट से 40 गुना भारी है, इसका मतलब कि क्योंकि मास ऑफ द कार्बन का 1/12 पार्ट होता है 1, क्योंकि मास ऑफ द कार्बन 12 आएगा और 1/12 1 हो जाएगा और ये कट के 1 आ जाएगा। अब 1 से ये 40 गुना भारी है, यानी कि इसका वेट कितना है 40, यानी कि यक्स का वेट है 40। कोई भी एटम दिया गया, मान लो दिया गया है एक है PQR और बोला गया कि कार्बन 12 के, PQR एक एलिमेंट है और कार्बन 12 के 1/12 कार्बन 12 के मास के 1/12 भाग के ये 36 गुना भारी है, तो ऑब्वियसली इसका वेट 36 होगा क्योंकि कार्बन 12 यानी 12 × 1/12 की वैल्यू क्योंकि 1 आती है। अब आप इसको 36 गुना है तो मतलब इसका वेट 36 ही होगा। क्या अभी कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। तो सर ये जैसे आपने 36 और ये 40 लिखा है तो फिर ये सर मतलब क्वेश्चंस में पहले से ही दिया होगा ना? क्या दिया होगा बेटा? ये डेफिनेशन याद करने का तरीका है, क्वेश्चन में सीधे एटॉमिक नंबर आता है, सीधे सीधे एटॉमिक वेट आता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आपको याद होगा और या तो एटॉमिक वेट दिया गया है। सर हमारे सर पेपर में भी सर ये 1/12 और C12 का कार्बन 12 का फॉर्मूला आएगा बेटा? डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आएगा। मान लो पूछा गया कि मान लो मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, अभी लिखो क्वेश्चन लिखो, पार्टिकल इज देयर। सर आप तो सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हो ना, हैविंग मास 98.4 ग्राम 98.4 टाइम्स यक्स इज अ पार्टिकल हैविंग मास 98.4 टाइम्स हीवियर देन 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन मास, फाइंड द वेट ऑफ सर 98.4। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं 98.4 सर, कैन यू गेट द आंसर सर? 98.4 ही होगा बिकॉज़ सर सर जब हम कार्बन सर को वो 1/12 अनाज चतुर्वेदी विल एक्सप्लेन इट सेंड बेटा सर आंसर वन आएगा क्योंकि सर अभी आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया दैट सर उसका आंसर क्या बताया था बेटा? आपने बताया था दैट सर उसका सर वेट इतना था तो सर यहाँ पे 98.4 टाइम्स सर वो हैवियर है। किसका वेट पता था? तो सर 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन मास।
वन बाई ट्वेल्व पार्ट ऑफ कार्बन के मास की वैल्यू आएगी वन, क्योंकि कार्बन का मास 12 है और 1 बाई 12 पार्ट ले रहे हैं, इसका वैल्यू आएगा 1. और क्वेश्चन में लिखा है पार्टिकल इज देयर यक्स हैविंग मास 98.4 टाइम्स 4 ग्राम. यार आप बैठ करो प्लीज, जब बताने लगो तो जरूरत नहीं है, मुझे आता है. अब 98.4 टाइम्स हीवियर देन 1 बाई 12 पार्ट ऑफ द कार्बन मास, तो कार्बन का मास है उसका 1 बाई 12 पार्ट किया तो 1 आ गया. अब इसका 98.4 कर देंगे तो 98.4 कर देंगे टाइम्स, कितना टाइम्स मतलब 98.4 इसकी वैल्यू आएगी. तो अगर 98.4 टाइम्स हीवियर है एक पार्टिकल का मास, तो उसका मास कितना होगा? तो अब ऐसी वैल्यू है उसकी वैल्यू 98.4 ही आएगी. कोई दिक्कत? Excuse me sir, I have a doubt. Excuse me sir. Sir, can I ask? Yeah, you can. Sir, यहाँ पे जैसे आपने कार्बन का मास दिया था सर, आप टेस्ट में कार्बन की जगह ऑक्सीजन नाइट्रोजन किसी का भी दे सकते हैं ना, या आप सिर्फ कार्बन का ही देंगे? नहीं, मैं कार्बन का ही दूंगा. वैसे होता है ऑक्सीजन का भी, मैं अगर ऑक्सीजन का देता तो यहाँ पे ये बोलता कि 1/16 पार्ट ऑफ द ऑक्सीजन मास, ऐसे बोलता, 1/16 पार्ट ऑफ द ऑक्सीजन मास ऐसे बोलता. लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, मैं उसको नहीं दूंगा. अगर दूंगा तो मैं कार्बन की दूंगा. 98.4 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से सर हम एटम का मास कैसे फाइंड करते हैं? बेटा नहीं बता सकता, क्योंकि 40 क्लास उसी में चली गई है. 40 क्लास क्लास हुई है आपको इस चैप्टर में, और 40 क्लास हुई है किसमें? किसी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बताने में. और आज तक नहीं बता सकता तो बेटा नहीं बता पाएगा, मैं गारंटी देख के दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, नहीं हो पाएगा ये. सर क्या कोई फॉर्मूला होता है 98.4 को निकालने का? क्या कोई फॉर्मूला क्यों होगा? मैंने सीधे बोला इसमें क्वेश्चन सीधे कह रहा है, कोई फॉर्मूला क्या है इसमें यार? जब क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल क्वेश्चन में दिया है, पार्टिकल इज हैविंग मास यक्स, क्या फॉर्मूला? फॉर्मूला ऊपर जहाँ फॉर्मूला बता रहे थे वहां कह रहे क्वेश्चन बता दो. अब क्वेश्चन बता रहे कह रहा कोई फॉर्मूला है कि नहीं है. जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बता रहे वहाँ कहते हैं वेट बता दो. अब वेट बता दो कह रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बता दो, घूम नहीं सकता ऐसा. नहीं सर, अगर 98 सर ये 98.4 नहीं दिया हो तो 98.4 नहीं दिया, कुछ और दिया होगा, 40 टाइम्स दिया होगा, 60 टाइम्स दिया होगा, जो जितने टाइम्स दिया होगा उतना टाइम का वेट हो जाएगा, उतना ही वेट आएगा उसका. yes, बेटा कोई दिक्कत? नो सर. यार क्लास सिक्स में बात करना ना, तभी उसको समझ में आ जाता. मैं गारंटी दे रहा हूँ यार, एक का 100 गुना 100 होता है, इतनी दिक्कत समझने में. उसको कह रहा है कोई बच्चा कह रहा है फिर से बता दो, नहीं हो सकता बेटा. और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मुझसे मत उम्मीद करना कि मैं फिर से बताऊँ. ये 40 क्लासे मैंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताने में निकाली है, तो मेरे बस की बात नहीं है कि मैं बार बार उसको एटमिक मास कैलकुलेट करना बताऊँ. प्लीज फॉलो योर वीडियो, इसीलिए रिकॉर्डिंग जाती है, एंड प्लीज म्यूट योरसेल्फ. इसी तरह से क्लास चल नहीं पाती है फिर बाद में, और बाद में बोलोगे मेरी दिक्कत है. चलो अब बात करते हैं एटॉमिक मास की, मॉलिक्यूलर मास के बारे में. बेटा समझ में आना एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास निकालना नहीं है, इसको याद करना है. ये डिफिनीशन है, याद करने का तरीका. आपको एक क्वेश्चन अगर इस पार्टिकुलर डिफिनीशन में बनेगा तो जैसे बनेगा मैं बता रहा हूं. एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ले लो. ए पार्टिकल, लिख लो क्वेश्चन और लिख लो. ए पार्टिकल is having particle is having mass 98 times इसको लिख लो 198 times times heavier than the mass the heavier than the 1 by x part of mass of carbon 12 and actual value of mass is 198. Find the value of x. अब क्वेश्चन घूमा, सबका दिमाग घूम गया.
सौ नॉर्मल था क्वेश्चन क्या एनीवन एल्स समीर मौर्या निकाल ही नहीं सकते सर 198 मतलब क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है हां नेविदा मैडम कह रही है तो सर 198 ग्रेट एनीवन एल्स सर 98 निकालना है ना सर वैल्यू ऑफ मास तो 98 निकली हुई 198 निकली हुई है बेटा एक चीज बताएं इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं कहीं और वैसे इजी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे बड़े बड़े एग्जाम में भी नहीं मिलेंगे कहीं भी नहीं मिलेंगे अब ये भी नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कैसे बोलूं कि क्या होगा ए पार्टिकल इज हैविंग अ मास 198 टाइम्स हीवियर देन द 1/x पार्ट ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 अब 1/x इनटू मास ऑफ द कार्बन 12 कितना है 12 है अब कार्बन 12 का मास 12 है आपको पता है 1/x पार्ट में निकाल रहे हैं और इसके 198 टाइम्स हमने किया है तब जाके एक मास आया है जिसकी वैल्यू है 198 यहाँ पे दिया गया है एक्चुअल वैल्यू ऑफ द मास मतलब मास को निकालते तो ये हम 1/x पार्ट ऑफ द कार्बन 12 मास तो 12 1/x पार्ट ऑफ द कार्बन 12 मास के 198वां फैक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है कि द 198 टाइम्स ही वेयर देन तो यहाँ पर मास हो रहा है और कार्बन 12 के फिजिकल नहीं देंगे क्या कर रहा है क्या कह रहे हो सर कार्बन 12 का आप किसी का नहीं देंगे पर इसका आंसर 16.5 आएगा क्या प्लीज यार 198 इज इक्वल टू 1/x इनटू 12 इनटू 198 ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो 198 से 198 कट जाएगा x की वैल्यू 12 बच जाएगी अगर लग निकालना है तो पर बार-बार बताया हूं भैया कि 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12 लिया गया है पर इसकी जगह मैंने 1/x लिख दिया था तो एक बेवकूफ से बेवकूफ बच्चा बता देता कि x की वैल्यू 12 आएगी दिमाग लगाने की क्या जरूरत है उसमें और मैंने ये बोला ही हुआ है ऊपर कि a particle is having the mass 198 times heavier than the 1/x part of mass of the carbon 12 मतलब कार्बन 12 के मास का 1/x पार्ट करोगे और उसका 198 टाइम करोगे तो वो वैल्यू 198 ही आ रही है यानी ऑब्वियसली 1/x पार्ट ऑफ द कार्बन 12 की वैल्यू 1 आनी चाहिए भैया अगर किसी का 198 पार्ट कर रहे हो और 198 ही आ रहा है मतलब किसी को 198 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और 198 ही मिल पा रहा है आपको तो क्या हुआ होगा वो क्या होगा किस नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ होगा अगर किसी को अगर कोई नंबर x है इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और 100 ही मिल रहा है तो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए उसमें आप किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हो और जिस नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हो वही नंबर फाइंड हो जाए तो ऑब्वियसली वो नंबर 1 होगा जो लिया गया आपके ऑफ द्वारा टेकन किया गया अगर आप 1 को 200 से मल्टीप्लाई करो तब भी 200 वही चीज तो बोल रहा था यार अगर 1 को 198 टाइम आपको बड़े क्वेश्चन आने की जरूरत ही नहीं है मुझे लग गया कि नहीं हो पाएगा लेकिन बार बार बच्चे बोलेंगे ये नहीं किया वो नहीं किया स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे क्लास में इसलिए मैं बताता हूँ चीजों को मुझे पता ही नहीं हो पाएगा ये अब 1 को अगर आपने 198 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 198 आएगा अब इसका मतलब 1/x पार्ट ऑफ द कार्बन 12 की वैल्यू 1 आनी चाहिए तो अगर 1/x ऑफ द कार्बन 12 वैल्यू 1 आनी है तो 12 यहां पर ऑलरेडी गिवन है पर 1/x है इसकी वैल्यू x की वैल्यू 12 आएगी तभी तो यहां पर आएगा हेलो मम्मी यस पापा गेटिंग शुगर नो पापा टेलिंग लाइक नो टेलिंग नो पापा यस पापा सोनू मधु मधु अमित पीना प्लीज आई रिमूव देम नो प्रॉब्लम सो बता समझ में आई बात या नहीं आई सर दैट लिंक दैट नहीं है क्या लेक्चर समझ में आया नहीं है दे आर प्लेइंग अरे बस करो यार शर्म नहीं आती आता था कुछ नहीं है बोलते रहते हो ऊपर जी की बात
आया क्वेश्चन कि नहीं समझ में? आगे सर। यस सर, बट सर आप एक और दे दोगे सर कॉन्फिडेंस के लिए क्या? यस सर, आप एक और दे दीजिए। एक और दे दे रहा हूँ, दे दे रहा हूँ सर। पर आपको बैलेंस्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी पढ़ानी है अभी तो। अरे क्या करूं भैया, जब समझ ही नहीं आ रहा है। क्वेश्चन करो ना सर, वाला टॉपिक भी बचा है। अरे एक्स्ट्रा दिन चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा दिन ले लेंगे। पार्टिकल इज हैविंग सर पेपर में। अरे नहीं आएगा यार, जहां तक पढ़ाएंगे वही आएगा, पेपर में ही बनाता हूं। ए पेपर इज ए पार्टिकल इज हैविंग मास 207 टाइम्स higher 207 times. तब आपकी स्क्रीन पॉज हो गई है सबके लिए? नहीं सर, बस वो रुक रुक के चल रही है। हाँ सर, बस रुक रुक के चल रही है, मेरे में तो आई नहीं हुई है। नो सर, इट इज सर, अब तो सर बहुत ज्यादा लेट आने लगी सर। आपने वो एन मास लिखा है क्या? हाँ, नाइट्रोजन का मास। सर कैन आई टेल? What is your name? Sir, Navidya Mahajan. Yeah, you can. Why की value बतानी है? Sir, it's 14. Anyone else? Yes, sir. What can I? 14. Anyone else? It is 14. Sir, it's 14. 14. Nitrogen के लिए नहीं आएगा question. Nitrogen के लिए नहीं आएगा. Sir, nitrogen का mass 14 होता है इसलिए. Wait for sir, can you wait? हाँ, आपने क्वेश्चन क्या लगा सर, वो स्क्रीन पॉज हो गई है। अरे वाह सर, मेरी स्क्रीन पॉज हो गई है। अरे मैं क्या करूं, बाकी बच्चों को आपको नहीं आ रहा है। बता दी पार्टिकल इज हैविंग मास सर, मेरे को सर इतनी नहीं आया क्वेश्चन। क्या पार्टिकल इज हैविंग मास 200 times, 207 times the mass of 1 by y part of the nitrogen mass. Value of particle, the value of mass of particle is equal to 207. Then find the value of 2y. Obviously, अगर आपने किसी भी particle का यार 1 by अगर nitrogen के mass का ना, अच्छा question है, ऐसी कोई बात नहीं है। Nitrogen के mass का 1 by y part लिया है और उसको 198 times किया है, तब जाके value 198 या 207 किया है। 207 टाइम्स किया है तब जाके वैल्यू 207 मिल पा रही है, तो ऑब्वियसली वाई की वैल्यू 14 रही होगी, क्योंकि नाइट्रोजन का मास तो 14 होता ही है, तो वाई की वैल्यू 14 रही होगी। इसको वाई से वाई कैलकुलेट किया होगा, इसकी वैल्यू को हमें 1 बनाना है, यही दिमाग में रखना है बस। अब अगर ये 1 बन गया तो 1 का मल्टीप्लाई अगर 207 से करेंगे तो 207 मिल जाएगा ऑब्वियसली, कोई दिक्कत? नो सर। बहुत सिंपल सी बात है, एक बार ट्राई कर सर। आंसर है 14, obviously 14. 14, 1 by 14 से मैं कट करना है ना यार 14 को, अगर कट नहीं होगा तो 1 कैसे बनेगा ये? Yes sir, I know, I will just confirm. Yes, yes, okay. Sir, how you got 14? यार अभी तो बोला, अभी अगर 14 नहीं करेंगे डिवाइड में तो कैसे कटेगा? A 1 by 14 into y की वैल्यू को या 1 by y into 14 की वैल्यू को 1 लाना है, तो y कितना होना चाहिए? सर 14। मैं क्या एक्सप्लेन कर दूं, नहीं आता तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, इतनी बड़ी दिक्कत की बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। वो तो बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा था पार्टिकल का मास क्या होता है, मैंने बताने की जरूरत पड़ गई कार्बन फिल्म के मास के बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली क्वेश्चन करना जरूरी था। नहीं आता तो कोई बात नहीं, डेफिनेशन याद कर लो आराम से, दो चार मास याद कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? यस सर। यस सर, हाँ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मतलब क्वेश्चन इतना इजी है कि मैं क्या बताऊं, 1/x मतलब आपको करना क्या है,
मतलब एक कोई नंबर है उसका बाई नंबर, एक बाई नंबर है इंटू 36 है और इसको वन लाना है। नीचे दिखा दो प्लीज। मतलब 100 का सवा पार्ट वन लाना है, 100 का यक्षवा पार्ट वन लाना है, 10 को किसी चीज से डिवाइड करना है और वन लानी है वैल्यू। मतलब इतना नहीं बताया मैथमेटिक्स, सोचो वही था क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन थोड़ा न्यूमेरिकली अगर उसके पास लैंग्वेज है तो लैंग्वेज में इतनी प्रॉब्लम नहीं हो जाती भैया, कि वो लैंग्वेज ही समझ नहीं आती है बिल्कुल से, इतनी तो इंग्लिश आती ही होगी। सर नीचे दिखा देना प्लीज सर। क्या सर मेरा आंसर 14 आ रहा है? ग्रेट, 14 तो है। ग्रेट बेटा, ग्रेट, यू गॉट द राइट आंसर। सर पर आपने सर वैसे नाइट्रोजन वाला दे दिया, बट सर आप टेस्ट में नहीं देंगे ना? नहीं देंगे यार, कार्बन वाला भी नहीं देंगे, टेंशन मत लेना, लेकिन पढ़ लो सही से, उसे पढ़ाई जा रही है तो पढ़ लो, चलो ठीक है, यू कैन लीव द क्लास। सर अभी स्क्रीन शेयर स्टॉप मत करना। ओके यू कैन लीव द क्लास, एनीवन इसको लीव करना है वो लीव कर सकता है, पर समझ नहीं आया मेरे को मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा फिर से, एक बार लिख के बता दूंगा। और क्या कॉल करता हूँ, फोन ही नहीं उठाते बेटा, घर आया हूँ, दो तीन दिन रुक जाओ, कल पहुंच जाऊंगा, फिर उसके बाद उठाऊंगा फोन। सब आप अभी होगा सब।